मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित बक्सवाहा के जंगल को बचाने की मांग अब और तेज होने लगी है। विभिन्न संगठनों के साथ जुड़े युवाओं ने इस लड़ाई को और धार दे दिया है। सोशल मीडिया में व्यापक विरोध के बाद बक्सवाहा को बचाने की मांग तेज हुई थी, जिसके परिणाम स्वरूप अब ये आग बुझने का नाम नहीं ले रही। आज बाइक से 230 किलोमीटर का लंबा सफर तय करके बुंदेलखंड नव निर्माण सेना का डेलीगेट बक्सवाहा के जंगल पहुंचा। इनके साथ ही रास्ते में बुंदेलखंड के विभिन्न जनपदों बांदा, महोबा, निवाड़ी एवं छतरपुर से भी काफी युवक जुड़ करके सीधे बक्सवाहा जंगल पहुंचे, जहां बुंदेलखंड नव निर्माण सेना के अध्यक्ष विनय तिवारी व उपस्थित युवाओं ने जंगल में लगे पेड़ों पर रक्षा बांध उन्हें बचाने का संकल्प लिया। साथ ही अध्यक्ष विनय तिवारी ने कहा कि ये लड़ाई अब बहुत लंबे तक जाने वाली है। हम युवा किसी भी कीमत पर प्रकृति के संवारे जंगल को चंद हीरो की कीमत पर नष्ट नहीं होने देंगे। बक्सवाहा के जंगल मध्य प्रदेश में का वो क्षेत्र है जहां बक्सवाहा के जंगल को काटे जाने का निर्णय केंद्र सरकार के द्वारा लिया गया है, जिसको देखते हुए पूरे बुंदेलखंड से एक जनसमूह इस बक्सवाहा के जंगल में आया है। कोरोना काल को देखते हुए बहुत कम संख्या में यहाँ पर हम लोग उपस्थित हुए हैं और साथ ही हम सब लोगों ने मिलकर के इन बक्सवाहा के जंगल में धागाओं को धागा बांध करके हमने एक भगवान की रक्षा सूत्र को बांध करके हमने ये कामना की है कि बक्सवाहा के जंगलों को बचाने के लिए भगवान का भी सहारा लेना पड़ेगा। हमने देखा कि कोरोना काल के दौरान बहुत से लोगों ने सांसें गंवाई हैं, ऑक्सीजन की कमी से बहुत से लोगों की जानें गई हैं, लेकिन जब यहाँ पर 2.5 से 3 लाख पेड़ों को काटा जाएगा तो निश्चित तौर पर है कि बुंदेलखंड की स्थिति बड़ी दयनीय हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, वीएसआरएस न्यूज़।